इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ क्या है? अयोनिजा। अयोनिजा माँ का विवाह किससे होगा? जिसका जन्म न हुआ हो, जो माँ के जैसे सत्य स्वरूप से प्रत्यक्ष हुआ। भगवान श्री सीता राम जी में जीव बुद्धि रखिएगा नहीं, ये तो परमात्मा है। मारे गडम गड्ढ हो गया है सब। गोस्वामी जी ने जो लिखा है, रचा है बाबा से पाकर के, वो तो एक तरफ, अपन वाली एक तरफ, सीरियर वाले दुरात्मा भगवान विष्णु के अवतार को राम बताते हैं। प्रातस्मणी पूज्यपाद गोस्वामी जी के जो राम जी है, और विष्णु अवतार नहीं है, वो तो भरत जी हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस, स्पष्ट लिखा है। मेरे राम जी तो ब्रह्म राम हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। सीता मैया क्या है? भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, जो साकेताधिपति प्रभु मेरे मां स्वरूप वहां है। लीला संवरण करने हेतु मैया मिथिला में आ गई। ठाकुर चैत्र में आ गए और मैया ज्येष्ठ, ये वो भूमि हो जीव भाव से नहीं। मैं जब आया 20 को आते, मैंने किसी से कहा कितनी मीठी है धरती, कितनी मीठी है, थोड़ा गर्म तो है लेकिन कितनी मीठी है। पहाड़ों में इतनी गर्मी होती ना तो सांस टंग जाती ना, हो जरा मृतिका उठाकर सूंघिए, मुंह में डालिए, क्या मिठास है। हमने तो चाटा है मृतिका को, क्या मिठास है। माई की भूमि है वो। अभी हम लोग कहाँ गए थे भाई जी? पंथ पाकर ना? आहा क्या बात है, माई की नगरी कितनी मीठी है, अनूठी है। जीव बुद्धि नहीं रखियो, जग जननी की भूमि है। जगदीश आएंगे, जगत जननी को ले जाएंगे। ये भी देखिए, हाय हाय क्या बात। हाँ, इंटरकास्ट अपराध कोई किया हो तो कथा के बाद पूछेगा नहीं, करे हो तो भरो फल पाओ अघाओ। हम विरोधी हैं, हम घोर विरोधी हैं, हम इसके समर्थक नहीं हैं। जो करता है उसको बधाई हो, हम नहीं स्वीकार करते। सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं। आप हैं तो खड़े रहिए, हम नहीं आएंगे। हम तो श्री सीताराम जी के उपासक भैया, सिद्धांत मानते हैं, दिमागी कसरत नहीं। संस्कार बेमेल हो जाते हैं, ब्राह्मण का ब्राह्मण से, वैश्य का वैश्य से, क्षत्रिय का क्षत्रिय से, सेवक का सेवक से, ये जो विधि है इसका पालन होना चाहिए।
तो उत्सव संस्कार से होता है, शरीर से नहीं होता। गाय के साथ भैंस नहीं, भैंस के साथ ऊंट नहीं, ऐसा होता है क्या? गौ माता के साथ चलती है, भैंस भैंस के साथ चलती है, बैल बैल के साथ रहता है। अरे राम, संस्कारों का आदान प्रदान बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखिए ना, देवता धरती पर सजी बारात को देख करके कह गए क्या? सकल भांति सब साज समाजो, काहे का ऊपर की पंक्ति, जग बिरंच उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह हम तब, सकल भांति सम साज सम समधि देखे हम। भगवान ब्रह्मा ने जब से सृष्टि को उत्पन्न किया, हमने अनेक व्याह की चर्चा सुनी और देखी भी, साज समाज तो लगभग ऐसा ही रहा होगा, लेकिन सामद सम पहली बार सृष्टि में उत्पन्न हुआ है। कैसा सामद? अयोध्याधिपति और मिथिलाधिपति, दोनों ज्ञानी हो, दोनों भगत। श्री सीताराम जी के दिव्य महोत्सव में वर कन्या की समता तो छोड़िए ना, उनके माता पिता की भी सम समता दृष्टिगोचर हो रही है। ये क्या है? ये संस्कार। संस्कार के साथ समझौता नहीं। संस्कार खरीदने से नहीं मिलता, संस्कार लिखने से भी नहीं आता, संस्कार जीने से आता है। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, आईएएस हैं वो, जब कभी वो मिलने आते हैं तो गाड़ी मेरी कुटिया से 200 कदम दूर पर खड़ा करते हैं, वहीं चरण पादुका निकालते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर पैदल पैदल आएंगे, सीढ़ी को प्रणाम करेंगे, कक्ष में आएंगे तो दंडवत करेंगे, जब आज्ञा होगी तब बैठेंगे। ये क्या है? संस्कार। उत्पाती व्यक्ति का गुरु जी हों, पिताजी हों, भगवान जी हों, ठीक दरवाजे के सामने टन खड़ा हो जाए, गेट खोलकर धड़धड़ा के पास पहुंचेगा। अब देखेगा सबसे ऊंची कुर्सी कौन है, गुरु जी वाली, उसी पर बैठना है, ले लो। ये क्या है? यही शीलता है। सम समधि देखे हम रामचरित्र में ये दर्शनीय है। वीर लोग मिथिला में नित्य प्रति आकर धनुष के साथ आजमाइश करते थे, जब कोई न उठा पाया तोड़ना नहीं था, प्रत्यंचा चढ़ाना था झुकाकर, फिर तोड़ा क्यों गया? ये आगे आएगा। देखिए
कोई भी बात कहते समय बात के प्रति जितना हमारा विश्वास रहता है उसी स्तर से हम बात को कहते हैं। जिसमें विश्वास जितना कम होता है उतना ही कम विश्वास से वो बात को प्रस्तुत भी करता है, और जो विश्वास से लबरेज है, भरा है, परिपूरित है, वो उसी विश्वास से बात कहता है, कहेगा हाँ होगा। देखिए संदेश आया गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सुने और राम लक्ष्मण जी से चर्चा की। मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है, चलें? हाँ चले। भगवान जानते नहीं कि क्या है क्या हो रहा है, गुरु आज्ञा चले। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्षि चले सुनकर क्या यज्ञ कोई प्रश्न प्रति प्रश्न नहीं चल पड़े। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।